हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास है ये सौमी 11i और सौमी का 11i हाइपर चार्ज भी आप मान सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर सभी भाई का ज्यादातर सवाल आ रहा है कि हमारे डिवाइस में MI 14 अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिक हमारे डिवाइस में बैटरी बहुत ज़्यादा कम चल रही है, ऑटोमेटिक ड्रेन हो रही है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका बैटरी बैकअप है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, मोबाइल को देखने के बाद आप खुद ही भूल जाओगे कि मेरे पास सौमी 11i और हाइपर चार्ज। आप हाइपर चार्ज मान सकते हो क्योंकि सेम टाइम पे सेम ही अपडेट आ रहा है, तो आप सेम ही डिवाइस मान सकते हो। एंड यहाँ पर वैसे आपको पता है चार्जिंग का ही डिफरेंट है हाइपर चार्ज में, और भी कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो आज मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आपकी जो बैटरी बैकअप है क्यों कम हो रहा है और आप कैसे सही कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप सेटिंग में जाओगे, अबाउट फोन में जाओगे, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास सौमी 11i है और जो मेरा अपडेट चल रहा है 14.0.3.0 का चल रहा है, जो कि एक लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। अब गाइस यहाँ पर बात करें कि हमारे डिवाइस में बैटरी जल्दी ड्रेन क्यों रही है। सबसे पहली बात, MI 14 अपडेट आने के बाद इतनी जल्दी बैटरी ड्रेन नहीं होती, बट MI 14 में 14.0.23 अपडेट आया है, इसमें हमारी बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रही है। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हमारे डिवाइस को 1 साल हो जाती है तब सौमी ऑटोमेटिक ही हमारा डिवाइस को डिक्रीज करता है, वो बैटरी लाइफ हो या हीटिंग प्रॉब्लम करने लगता है, कभी कभी कैमरे भी डिक्रीज कर देता है। ये सौमी की खासियत रही है हमेशा। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे डिवाइस की बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो सिक्योरिटी पैच अपडेट आते हैं उनमें ज़्यादातर आप ध्यान मन दिया करो। हालांकि आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको अपडेट को करना ही पड़ता है, बट मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा एक अपडेट को आप बीच में गैप देके ही अपडेट करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि अपडेट से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको पता है सौमी के डिवाइस में जितने भी अपडेट आते हैं कुछ न कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं। अभी की बात करूँ मैं, सौमी 11i जो 14.0.3.0 का अपडेट चल रहा है उसमें एक प्रॉब्लम आई, आपको पता है सौमी 11i और 11i हाइपर चार्ज में, जो कि साउंड प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि साउंड का वो जो वॉल्यूम है या वॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम आने लगी है। सभी लोगों का यही सवाल ज़्यादातर आ रहा है, वो अभी भी फिक्स नहीं की गई है। तो आपको पता है सौमी के डिवाइस में पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो कैमरा क्वालिटी वो डिक्रीज की गई थी, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि YouTube प्रॉब्लम था, यानी कि इनके डिवाइस में अपडेट आने से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं, और यहाँ तक कि मोबाइल डेड भी होते हैं, Redmi Xiaomi हो या आपको पता है पोको हो, मोबाइल भी डेड हो चुके हैं। जैसे कि Redmi की Note 10 सीरीज़ में Note 10 Pro और Pro Max तो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल यहाँ पर मदरबोर्ड डेड हो चुके हैं। तो आप जब भी अपने डिवाइस को अपडेट करते हो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपका डिवाइस की जो वारंटी है वो एक्सपायर हो चुकी है, और ज़्यादातर आप अपडेट पर ध्यान मन दिया करो। अब गाइस यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर जाओगे आप, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। जैसे आप सेटिंग में जाओगे, सबसे पहली बात ऑल बियॉन्ड डिस्प्ले आप चेक करो, इसे आप ऑफ करके रखो हमेशा, ये आपकी ब्राइटनेस को सबसे या बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नोटिफिकेशन इफेक्ट है तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हो, वरना इसे भी आपको ऑफ करके रखना, मैं हमेशा रखता हूँ ऑफ। एंड आप नीचे आओगे, आपको जाना बैटरी में, जैसे कि यहाँ पर बैटरी में आओगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, वैसे आपका डिवाइस चार्ज नहीं है या कम बैटरी है, लाइट नहीं है, तो आप बैटरी सेवर लगा सकते हो हमेशा के लिए यहाँ से। इससे क्या होता है, आपकी जो थर्ड पार्टी चीज़ें होती हैं वो आपके बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देती हैं, जिससे आपकी ऑटोमेटिक बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। वैसे आपको हमेशा बैलेंस मोड पर रखना है, और यहाँ पर आप चेक कर लेना कि कहीं आपका डिवाइस परफॉर्मेंस मोड पर तो नहीं लग गया है। बाई चांस परफॉर्मेंस मोड पर है तो यहाँ पर आपकी बैटरी भी डिक्रीज होगी और आपका डिवाइस हीट भी हो सकता है। सिंपली अब आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग का लोगो दिखा दे रहा है ऊपर की साइड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के लोगों पर क्लिक करोगे, किसी किसी भाई का सवाल होता है कि हमारा डिवाइस में जब से हम 5G को इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन हो रही है। तो आपको पता है लेटेंसी ज़्यादा है 5G की, 5G नेटवर्क आने के बाद ऑटोमेटिक आपकी स्पीड इंटरनेट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में आपकी बैटरी ऑटोमेटिक जल्दी ड्रेन होने लगती है। तो आप यहाँ पर इसे इनेबल कर सकते हो, वैसे आपके में डिसेबल होगा, ओके करोगे डिसेबल होगा, आप इसे ऑन कर सकते हो। ऑन करने से क्या होगा, आपकी जो पावर है उसे आपका न्यून होने से रोकेगा और सेव करेगा आपकी बैटरी को, तो आप इसे लगा सकते हो। नीचे आना आपको, यहाँ पर लिखा है ऐप बैटरी सेवर, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपके डिवाइस में कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आप ज़्यादा यूज करते हो, उन्हें तो आपको हमेशा के लिए कर देना है, जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। जैसे कि हमें फ्लिपकार्ट, बैटर ग्राउंड मोबाइल इंडिया या ड्राइव या कोई भी हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम की तो है काइन मास्टर, MI रोमेट, MI स्टोर, माई जियो की नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन की। इंटरनेट कम होगा तो वो तो नोटिफिकेशन आएगी, या ओपन कैमरा, इनकी नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक एक करके सभी पे, जैसे कि मेरा बैटर ग्राउंड मोबाइल इंडिया है, तो यहाँ पर मैं आपको रिस्टार्ट करता हूँ।
गाइस यहाँ पर आपको ऐसे ही सभी को रिस्टार्ट करना, फ्लिपकार्ट वगैरह सभी को, आप सभी को रिस्टार्ट कर दोगे ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देंगे, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होगी, फालतू में आपकी बैटरी ड्रेन होती है वो नहीं होगी। इन सेटिंग को आपको अपने डिवाइस में कर लेना है। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखना, ऐप बैटरी सेवर उसी पर लगाना है आपको, यानी कि रिस्टार्ट, जिनकी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपके डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकते हैं, सभी को आपको लगा देना है, जैसे कि पिक्सल लैब, प्लेन टिटेन और थंबनेल मेकर, ट्रांसलेटर, बहुत सारे हैं जिनकी आपको नोटिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इन पर लगा सकते हो। तो इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है। और यहाँ पर देख सकते हो आपके कुछ एप्लीकेशन तो ऐसे हैं, जैसे कि मैं BGMI सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज करता हूँ, फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूब को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। एक बार आप एक चीज़ और कर सकते हो अपने डिवाइस को, कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्लीनर पे जाना है या सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाना है, अपनी जंक फाइल वगैरह को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको दोबारा सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, आपको जाना है मैनेज ऐप में और यहाँ पर आपको सर्च करना है SY। जैसे आप SY सर्च करोगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सिस्टम लॉन्च, एक सिस्टम UI। तो आप इन्हें भी क्लियर डाटा या क्लियर की चेक कर सकते हो आपके डिवाइस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है बैटरी का। ये क्या होगा, आपके एप्लीकेशन है या आपके मोबाइल में जो भी डाटा है उनका बैकग्राउंड क्लीन हो जाएगा पूरी तरह से। जो भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करोगे दोबारा से परमिशन वगैरह देनी होगी, बट जो चीज़ लॉगिन है वो लॉगिन रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से आप क्लियर डाटा क्लियर कैसे कर सकते हो, इससे आपका डिवाइस पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और जो बग वायरस होंगे, जो बैटरी को कंज्यूम कर रहे होंगे वो नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पर इस सेटिंग को आप फॉलो कर सकते हो एंड या नेक्स्ट अपडेट का आप वेट कर सकते हो। वैसे आपको पता है आपका मोबाइल ओल्ड होता जा रहा है तो बैटरी बैकअप डिक्रीज ही होगा, ना कि इंक्रीज होगा। तो आपको, और आपको पता है आप ज़्यादा कुछ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं कर सकते क्योंकि Xiaomi का डिवाइस है भाई, तो पता है, पता नहीं Xiaomi किस में रहता है, तो बैटरी बैकअप तो कम होगा क्योंकि आपका डिवाइस ओल्ड होता जा रहा है, वारंटी से एक्सपायर होता जा रहा है जिनने भी मोबाइल लिया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादातर एक चीज़ का मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों को, इससे इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, जब भी आपके डिवाइस में अपडेट आता है तो तुरंत ही अपडेट मत करो। एंड यहाँ पर आपको पता है सिक्योरिटी पैच अपडेट में भी कुछ ना कुछ इशू आ रहे हैं अभी Xiaomi 11i और 11i हाइपरचार्ज में, तो जब भी आप अपडेट आता है तो डिले करो और जहाँ तक हो सके एक अपडेट को गैप करके ही आप अपडेट कर सकते हो। हालांकि अपडेट गैप करने से कुछ नहीं होता कि आपका ये नहीं है, जैसे 13.0.3.0 का अपडेट आपने नहीं किया, अब आपको नेक्स्ट अपडेट मिलेगा 13.0.4.0 का, तो आपका डायरेक्ट 14.0.4.0 पे ही चला जाएगा, तो आप एक अपडेट का बीच में गैप भी दे सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इन्हें आप फॉलो करके अपने डिवाइस की जो बैटरी बैकअप है उसे सेव कर सकते हो और अपने डिवाइस को क्लीन भी कर सकते हो और आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन नहीं होगी और आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो। अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चाहे पर पहली बार आई हो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको कुछ और चाहिए या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, या कुछ और रिव्यू चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना।